आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सहयोगीता। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतह, खालसा मेरी जान, सत श्री अकाल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जय। जैसे जय घोष के साथ शुक्रवार को बड़वानी शहर में सिख समाज का नगर कीर्तन निकला। गुरु सिंह सभा द्वारा सरपंच दानी दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व रविवार को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इसी के चलते आज नगर में निकाला जुलूस, साथ ही दिया स्वच्छता का संदेश। बड़वानी के विभिन्न मार्गों से गुजरा जुलूस। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष व युवक बच्चे शामिल हुए। जुलूस में दलेर तरन तारण पंजाब के गतका दल द्वारा आकर्षक शौर्यकला का प्रदर्शन किया। हैरतअंगेज कलाबाजी देखने के लिए जगह जगह लोगों का मजमा लग गया। इस मौके पर समाज की लड़कियां ने भी अपना रण कौशल दिखाया। नगर कीर्तन में पंच प्यारे चल रहे थे। जुलूस के दौरान समाज के पुरुषों ने सफेद वस्त्र के साथ नीली पगड़ी और महिलाओं ने सफेद वस्त्र के साथ नीली चुनरी पहने शामिल हुए। इनके पीछे सुसज्जित ट्रॉली पर गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान थे। एचपीएस भाटिया ने बताया कि इस बार 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 352वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी बहुत गर्व से याद करते हैं और उन्होंने अपनी फौज को शौर्य कला में पारंगत किया है। ये आज जो पर्व मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये हम लोग हमारे 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 352वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं। पूरी ही बड़वानी संगत, पूरे ही हर धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें लगभग हम लोग 5-6 लंगर भी कर रहे हैं, जिसमें पूरे समाज के इकट्ठे होते हैं और गुरु साहब की वो पूरी जीवन कथा, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपने पिता की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने माता की शहीदी दी, उनको हम बहुत ही गर्व से आज याद करते हैं और उनकी याद में ये पूरा ही प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जो ये काफ़ी खतरनाक स्टंट करते हैं, उसके बारे में? इसके लिए तो इतना ही कहा जाएगा कि गुरु साहब की जो फौज थी, उन्होंने हमेशा ही उसको सक्षम रखा है। हमेशा ही कुश्ती, गतका और अन्य तरह की शौर्य कला सभी में उनको पारंगत किया है कि किसी भी समय कोई भी दुश्मन आ जाए, उसका डटकर मुकाबला करें। केवल अधर्म के विरुद्ध ही लड़ाई लड़ी है उन्होंने। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है वो सभी अधर्म के विरुद्ध लड़ी है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए ये सारे युद्ध उन्होंने किए हैं। किसी भी जमीन के लिए नहीं किए, किसी किले के लिए नहीं किए, केवल धर्म रक्षा के लिए किए हैं। गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे मतलब योद्धा गुरु ही कह सकते हैं, इन्होंने अपना पूरा सर्वस्व परिवार मतलब हिंद पर वार दिया था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने पहले अपने पिता का बलिदान किया, करवाया, उसके बाद में फिर इनके चारों बच्चे शहीद हुए और फिर ये खुद भी स्वयं मतलब इन्होंने योद्धा के रूप में। और इसमें कई तरीके के ये स्टंट वगैरह दिखा रहे हैं। हाँ, ये मतलब हमारी जो 10वें गुरु हैं, ये योद्धा गुरु हैं। जैसे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, वो भक्ति वाले गुरु थे, और ये 10वें गुरु जो है, ये हमारे योद्धा गुरु हैं।